نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزير من أهلي اللهم فكهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير سورة الأحزاب आयत नंबर फिफ्टी सिक्स इन कहता हूं यु सलुनाबी या तस्लिमा इसमें कोई शक नहीं के अल्लाह और उसके फरिश्ते मलाइका वो क्या करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो फिर तुम क्या करो ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी उन पर दरूद भेजो अल्लाह तआला ने सूरह अहज़ाब की इस आयत नंबर फिफ्टी सिक्स में अपना और फ़रिश्तों का एक ताल्लुक और एक मामला नबी आखर जमा मुस्तफा मुजतबा शाफी मशर साकी कौसर राह आलमीन के साथ बताया है क्या कि अल्लाह और अल्लाह के सारे फरिश्ते हबीब खुदा सल्ला वसलम पर दरूद भेजते हैं ये तस्करा करने के बाद फिर अल्लाह ने तमाम ईमान लाने वालों को जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु सला वसल्लम को मानते हैं उनकी मानते हैं उनसे फिर मुतालबा किया जा रहा है कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते ये काम करते हैं तो तुम क्या करो तुम भी फिर नबी सल्ह वसलम पर दरूद व सलाम भेजने का एहतमाम करो कोई आई कि सुन्नत इलाही भी है सुन्नत मलाइका भी है हुक्म खुदावंदी भी है क़ुरान का हुक्म भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का एहतमाम किया जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम सल्लिमु तस्लीमा का एहतमाम तो हम अपनी नमाज के तशहुद में तशाखुद में जो दुआ इब्तदा में अतहियात की शक्ल में मांगी जाती है उसमें रसूल सल्लाह वलम पर सलाम का अहतमाम किया जाता है और इस हुक्म की तामील हम अपनी तशुदुद में रसूलुल्लाह रसूल सल्लाम पर सलाम भेजने के साथ करते हैं दरुद तो कसरत से भेजना हर मुसलमान और मोमिन के लिए जरूरी है अगर मैं बहुत सी सही अदीस अहादीस जो मुस्लिम और बुखारी दोनों में मौजूद हैं अगर उनका खुलासा आपको पेश करूं, बजाय इसके कि मैं अलग अलग अहादीस बताऊं, तो दरूद भेजने की बरक़ात फयूस उससे मिलने वाली खैर बरकत और नेकी और भलाई का जो तस्वुर है उसके लिए अगर मैं खुलासा आपको अदीस से बताऊं तो हमें हदीस मुबारक से पता चलता है कि एक दफा दरूद भेजने रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पर एक दफा दरूद भेजने वाले के लिए दस नेकियां दस गुनाहों की बख्शिश दस रहमतें दस बरकतें शामिल हाल की जाती हैं और उसके दस दर्जात बुलंद कर दिए जाते ये ये अजर और सवाब का एक खजाना है जो दरूद पढ़ने वाले के लिए हदीस से हमें बताया गया फिर अदीस मुबारक में ये वादा भी है खुद शाफी महशर मोहम्मद अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से वादा है कि जो शख्स बाकायदगी से सुबह और शाम ये कब सुबह शाम के असकार फजर के बाद और असर के बाद जो शख्स बाकायदगी से सुबह शाम रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए शिफात का वादा फ़रमाया है इसी तरह आज़ान मौज़न पुकारे तो मौज़न के क़लमात को दोहराने के बाद अगर कोई शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरुद भेजने के बाद वो मसनून दुआ अदा करेगा तो उस शख़्स के लिए भी आप सल्लल्लाहु वाली वसल्लम ने शिफात का वादा किया है और जुम्मे के दिन भी कसरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने की ताकीद सही अहादीस में साबित है और इनके वादे भी मौजूद हैं और हमें हदीस ही से पता चलता है कि जब कोई शख्स अपनी दुआ से पहले दरूद भेजता है तो उस दुआ के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं वो दुआ अरशे इलाही तक पहुंचती है और वो दुआ मुस्तजाब हो जाती है व्यात तैयबा का एक वाक है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम से दरूद और दुआ के हवाले से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह वसल्लम क्या मैं दरूद को अपनी दुआ का चौथाई हिस्सा बना लूं? यानी जितनी देर मैंने दुआ मांगनी है उसमें से चौथाई हिस्सा मैं दरूद पढ़ लिया करूं आपने फरमाया हाँ अगर तुम चाहो लेकिन अगर तुम बढ़ा लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है उन्होंने फिर सवाल किया कि क्या मैं तीसरा हिस्सा अपनी दुआ का दरूद को बना लूं आपने फिर वही जवाब में इर्शाद फरमाया कि हाँ अगर तुम चाहो लेकिन अगर तुम इसको बढ़ा लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है रावी फरमाते हैं कि अगला सवाल यह था कि क्या मैं आधा हिस्सा दुआ का दरूद को बना लूं आपने फिर जवाब में वही बात इर्शाद फरमाई और अगला सवाल यह था कि क्या मैं दो तिहाई दुआ दरूद पर मुश्तमिल कर लू आपने फिर जवाब में फरमाया कि हां अगर तुम चाहो लेकिन अगर तुम बढ़ा लो तो तुम्हारा तुम्हारे लिए बेहतर खोया कुल दुआ को दरूद बना लेना दुआ की जगह सिर्फ दरूद पढ़ लेना दुआओं की कबूलियत का जरिया बन जाता है जो एक इंसान के दिल में उसकी ख्वाहिशें उसकी हाजतें इंशाल्लाह वो भी अल्लाह के हजूर कबूल हो जाती और मैं आपको बताऊं कि इस हदीस को पहली दफ़ा जब मैंने पढ़ा भी और मैं जब भी सुनाती हूँ मुझे हमेशा ये एहसास होता है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप देखें कि ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसी हालत हो जाती है कोई ऐसी सिचुएशन कोई ऐसी परेशानी की मुश्किल की कैफियत होती है जिसमें हालत ऐसी होती है कि जबान पे दुआ भी नहीं आती होता है ना कि कई दफ़ा इंसान इतने स्ट्रेस में होता है इतनी एंग्जाइटी होती है या इतना पैनिक कर जाता है कि उस वक्त दुआ भी नहीं सूझती उस वक्त जबान पे दुआ भी नहीं आती समझ भी नहीं आता हौसला और हिम्मत भी नहीं होती आसाब इतने शल हो जाते हैं बस औकात उस हालत में क्या करना है बस फिर दरूद पढ़ते जाना है उस वक्त जब सिर्फ और सिर्फ दरूद पढ़ते जाएंगे तो वो जो सारी हाजतें सारी ख्वाहिशें सारी तमन्नाएं, सारी मुश्किलात को दूर करने की हाजत रवाइ है वो सब इन श्ला उस दरूद के बदले कबूल हो जाएगी और सकीना इस दरूद इस ज़िक्र की बुनियाद से इन श्ला सकीन भी मिलेगा इतमान कल्ब भी मिलेगा शैतान के वसफ़सों से भी पना होगी और ईमान भी ताज़ा हो जाएगा तो लिहाजा ये दरूद की कुछ फजीलतें और कुछ बरक़ात अब अगली चीज़ जिस पर बात करूँगी कि जब दरूद पढ़ना है तो फिर कौन सा दरूद पढ़ना चाहिए तशाहुद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून नमाज़ से इब्तिदाई दुआ और दूसरे कलमे के बाद दरूद पढ़ने की ताक़ीद मौजूद है और कौन सा दरूद है दरूद इब्राहिमी तमाम दरूद जो पढ़े जाते हैं उनमें से फिर बेहतरीन दरूद वो है जिनके लिए पढ़ना है नबी अलैहि वसल्लम जिनके लिए दरूद पढ़ना है उन्होंने जो दरूद हमें हमारी नमाज के लिए तजवीज़ करके हमारे तशकद में रख दिया वो दरूद फिर गोया बेहतरीन दरूद है सो द बेस्ट दरूद दरूद इब्राहिमी है पहले ही जिक्र में भी दरूद की अदायगी में भी कमियां और कोताहियां तो हैं ना सुस्तियां भी हैं तो जो थोड़ा ज्यादा पढ़ा जा रहा है फिर वो क्यों ना पढ़ा जाए जो बेहतरीन है अ द बेस्ट है जो रसूलुल्लाह रसुल्ला वसलम ने खुद तजवीज किया है और वैसे जो सबसे छोटा दरूद और जो मुख्तसिन तरीन हरूफ अगर अदा किए जाएं और उनकी अदायगी से एक दफ़ा दरूद भेजने का अजर सवाब हासिल होगा वो मुखर मुख्तसर तरीन व आलिहि वसल्लम तो ये मख्तसर तरीन दरूद है जो हम नबी सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम का इसमें ग्ररामी या आप सल्लल्लाहु सल्ल वसल्लम का जब तस्करा आता है तो जो ये मुख्तर दरूद हम पढ़ते हैं ये भी इन दफा दरूद पढ़ने के अजर और फयूज और बरक़ात का ज़रिया होगा दरूद पढ़ने का बुखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वाले वलम का इसमें ग्रामी आए आपका तस्करा हो और दरूद ना पढ़ा जाए तो क्या वईद है हदीस के अल्फाज हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर पर पहले जीने पर आमीन दूसरे पर और तीसरे पर जब आमीन फरमाते हैं तो सहाबा ने सवाल किया था या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो किसी को दुआ करते नहीं सुना आपने किस दुआ पर आमीन फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तीन लोगों पर हजरत जिब्राइल ने लानत के कलमात लानत की दुआ की है मैंने उस दुआ पर आमीन कहा ये तीन लोग कौन से हैं वो शख्स जिसके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वाली वसल्लम का नाम लिया जाएगा और वो उन पर दरूद नहीं भेजेगा शख्स जो रमजान के महीने को पाता है और उसकी बरकत और फयूस समेटने से महरूम रह जाता है और तीसरा वो शख्स जो अपने वाले देन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाता है और उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनता अल्लाह इन में ना बनाए आप सल्लल्लाहु वाली वसल्लम ने फरमाया था बदतरीन बख़ील कौन है आपने फरमाया वो शख्स जिसके सामने रसूल रहमत अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है और वो दरूद नहीं भेजता यानी उसके पास समात है वो सुनता है उसके पास कुत गोयाई है बोलने की सलाहियत है लेकिन इतना बख़ील, इतना सुस्त इतना काहिल कि ज़बान को हरकत देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसुल्लाम पर चंद दरूद के कलमत अदा करने में भी सुस्ती काहिली और बुखल करता है अल्लाह हमें इस बुखल और इस सुस्ती से बचा अल्लाह हमें कसरत से अपनी जबानों पर रसूल रहमत सल्ला वसलम पर दरुद भेजने की आदत और इसकी बेहतरीन तौफीक अता फरमा। आयत नंबर 57, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल असलम को अजीय देते हैं उन पर दुनिया और आख़रत में अल्लाह ने लानत फरमाई है और उनके लिए रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर दिया है और जो लोग मुमिन मर्दों और औरतों और बे को बेकसूर देते हैं उन्होंने एक बड़े बहतान और सरीह गुनाह का वबाल अपने सर ले लिया है रखू नंबर आठ आयत नंबर फिफ्टी नाइन يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن رَفْنَا فلا يزين وكان الله غفور رحيم الله فرما رہا कि ए नबी सल अल्लाह वसम अपनी बीवियों को अपनी बेटियों को और निसाइल मोमिनीन यानी अहले ईमान की औरतों को इन सब से कह दो कि वो क्या करें अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें क्यों ये ज़्यादा मुनासिब तरीका है किस बात के लिए ताकि वो पहचान ली जाए और वो सताई ना जाए अल्लाह गफूर रहीम है सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 59 एक हतमी और एक अबदी फरीजा दीन का हुक्म है मुसलमान खावतीन को उनकी हयादारी उनके पर्दे के एतम उनके चेहरे के निकाब और हिजाब का अल्लाह सुबहान इस आयत में मुखातिब वसल्लम को किया है और आपको मुखातिब करके फ़रमाया है कि ये हुक्म आप अपनी अजवाज अपनी बेटियां और निसाइल मोमिन को पास ऑन कर दें उनको कन्वे कर दें क्योंकि जाहिर है ये हुक्म ख़वातिन इस्लाम के लिए ख़ास है तो लिहाजा ये हुक्म रसूल सल्लाम को डायरेक्टली नहीं दिया गया कि ये आप करें फरमाया गया कि ये हुक्म आप आगे फ़लह फ़लाँ कैटेगरी को पास ऑन कर दें हुक्म मुसलमान खवीन के पर्दे और चेहरे के पर्दे और निकाब का हुक्म है कुरान के किसी भी हुक्म को समझने के लिए बुनियादी तौर पर तीन तरीके अपनाए जाते हैं जो मेरा ख्याल है किसी भी लिटरेचर की कॉम्प्रिहेंशन के लिए ज़रूरी होंगे सबसे पहला तरीका जो अमूमन में हरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ चाहे वो सूद के अहकाम हो, चाहे शराब के अहकाम हो, और खास तौर तो पर मुश्किल अहकाम पर जब अमल करना मुश्किल होता है तो फिर ये तरीका अपनाना जरूरी इसलिए होता है कि लॉजिक और कंप्रिहेंशन जो है वो ईज़िली अक्वायर हो जाए पहला तरीका कि उस उस हुक्म पर मबनी आयत को अरबी ग्रामर के साथ सरफ व नह के साथ रिलेट करके उसका हकीकी तर्जुमा समझने की कोशिश की जाए और मैं आपको बताऊं कि जब किसी भी आयत का लिटरल वर्ड वर्ड टू एनालिसिस करके उसका तर्जुमा समझा जाता है ना तो हुक्म समझ में आ जाता है फिर उसमें कोई कंफ्यूजन कोई इबाम नहीं रह जाता कोई डाउट नहीं रह जाता जब वर्ड टू वर्डेशन कर ली जाती है तो फिर उस हुक्म में टोटल क्लैरिटी मिल जाती है कि अल्लाह कह क्या, क्या रहा है और मुराद क्या है और इसका हुक्म और इसकी नौीय क्या है दूसरा तरीका जो किसी भी कुरान की आयत के हुक्म को समझने का है कि इस आयत के नाजिल होने के बाद और इस आयत को कुरान की इस सूरत में रखने के बाद ने कुरान ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया तफसीर में इस आयत के हवाले से क्या बयान है और तीसरी बात यह कि जब यह आयत नाजिल हुई तो उस दौर के सहाबा सहाबियात वो जो अनमता अलैहिम थे वो जो साबिकून अलवलून थे रजी अल्लाह अनहुम व रजू अन थे समेना व अतवाना करने वाले अतीउल्लाह व वा अतीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भर आयत को के उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया था उनका बिहेवियर क्या था उनका रिएक्शन क्या था उनका रिस्पॉन्स क्या था ताकि एक अमली तशरी और अमली नमूना मिल जाए हमने शराब के अहकाम पढ़े तो भी मैंने ऐसे ही बात की तो बस इस अंदाज से लेकर इस हुक्म को समझ लें क्योंकि इस हुक्म को समझना जरूरी है आज हमारे माशरे में बहुत सी डिबेट और बहुत से तजादात चेहरे के पर्दे के हवाले से मौजूद हैं अगर आप इसका लफसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा गया है कि आप अपनी अजवाज और अपनी बेटियों को ये हुक्म दे दें को आगाज नबी वसल्लम के अहले खाना से हो रहा है क्योंकि वो रोल मॉडल्स थी अजवाज और तो रसूल वो तो सारी उम्मत की माओ बहनों के लिए रोल मॉडल्स थी तो सबसे पहले नमूना एक कुरान मोहम्मद वसलम के अहले खाना को हुक्म देकर उन रोल मॉडल्स को ट्रेन करके उनके जरिए इस हुक्म का आगाज किया जा कि आप अपनी बीवियों और आप अपनी बेटियों से कह दें और किसको कह दें पढ़ें निसाइल मोमिन मोमिन की औरतों से इससे मुराद कौन है कौन है निसाइल मोमिन कहाँ रहती हैं कहाँ बसती हैं क्या वो इंडोनेशिया और सूडान में रहती हैं या यास्का और एंटार्टिका में रहती हैं या एमेजोन के जंगलों में रहती है? और चांद पे बसती हैं कहाँ हैं कौन है ये हाँ जी निसाइल मोमिन कौन है ईमान वालों की औरतें जो साहेब ईमान मर्द हैं उनकी माए उनकी बीवियां उनकी बहनें उनकी बेटियां उनको भी हुक्म दे दें हुक्म किसको है अल्लाह सुबहाना ताला हमारे बापों हमारे शौहरों हमारे भाइयों हमारे बेटों को ईमान अता फरमाए उनको मुस्लिम और मोमिन बनाए ये हुक्म मेरे और आपके लिए है ये हुक्म हम सबके लिए है कि मोमिनों की सारी औरतें माशरे में चाहे वो मां है चाहे वो बीवी है चाहे वो बहन है चाहे वो बेटी है उस सारे के सारे मुसलमान माशरे की औरतों को ये हुक्म दे दे ये जो लफ्स है ना इसने बहुत बड़ा तनाजा सेटल कर दिया इसने बहुत बड़ी जो एक डिबेट और एक एतराज और वो जो जवाज और लचक निकाली जाती है ना आप देखें कि जब बात करने का हुक्म आया तो जब वसल वराय हिजाब का हुक्म आया तो मुखातिब महातुलमोमिन और साहबा क़राम थे तो ऐसी आयात से फिर बहुत से लोग कुरान की गलत तफसीर और गलत वजाहत करते हुए ये कहते हैं कि ये मुखातब तो मोमिनीन है ये हुक्म तो उनके लिए है ये हुक्म तो उस दौर के लिए है हालांकि पीछे मैं वजाहत से बात कर चुकी हूँ कि अगर उनके घरों की ततहीर और उनके घरों के अत खरुले क्लूब के लिए ज़रूरी है तो हमारे लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन बहरहाल ज़िद बरा ज़िद और एक ढिटाई करने वाले लोग वो जवाब दे देते हैं कि जी मुखातब तो महातुलमिन लिहाजा हुक्म उनके लिए हमारे लिए है ही नहीं यह कटा निकल गया यहां यह मसला सेटल हो गया मुखातिब कौन है तमाम मुसलमान औरतें मुखातिब है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप बड़ी छोटी अमीर गरीब पढ़ी लिखी अनपढ़ मॉडर्न अपसलीट हर किस्म की मुसलमान अल्लाह हमें ईमान की सलामती अता फरमा तो फरमा कि सारे के सारी मुसलमान मोमिन औरतों को भी कह दो कि वो क्या करें उनको पीछे एहकाम दिए गए उनको पीछे बताया गया कि अपनी जीनतें छुपाएं अपने तबरुज ना दिखाएं तो उनको क्या करो कि जब वो अपने घरों से निकलती हैं अपनी जीनतों को छुपाने के लिए तबरुज़ से बचने के लिए लिबास तकवा इख्तियार करने के लिए जब अपने घरों से निकलती हैं तो क्या किया करें युद्ध नीना रूटवर्ड क्या है दाल नून वाओ मतलब क्या है नीचे कर लेना झुका लेना पस्त कर लेना और करीब कर लेना इससे और बताओ कौन से अल्फाज बनते हैं दुनिया दुनिया क्या है आखरत के मुकाबले में दुनिया हमसे करीब है इससे एक और लफ्स है अदना तो युद्ध नीना का मतलब है कि वो क्या करें मुखातिब खातन है मुन्नस का सीगा है जमा मुन्नस को हुक्म दिया जा रहा है वो क्या कर ले वो नीचे कर लें वो लटका लें वो पस्त कर ले और वो करीब कर ले किसको और कहाँ से अल हिन्ना उनके ऊपर से ऊपर से का मतलब क्या है वो जो ख़वातीन है वो अपने ऊपर से यानी अपने सरों के ऊपर से किसी चीज को नीचे करें उसको लटकाएं और उसको करीब करें किस चीज को अपने ऊपर से लटका लें और करीब कर लें मिन जिला बी बेहिन्ना मिन मतलब क्या है बाज हिस्सा कुछ हिस्सा मिन तबरीज के लिए आता है सम फ्यू अ पार्ट ऑफ किसका जिलाबीब जिलाबीब जिलबाब की जमा है जिलबाब किसको कहते हैं अरब के लोग जो अरबी को जानते हैं वो तो जिलबाब का मतलब वैसे ही समझते हैं जैसे मैं और आप कोट का ओवरकोट का शलवार का कुर्ते का पाजामे का दोपट्टे का, मतलब तो का, मतलब तो का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते मैं आपको बताऊं साड़ी तो आप समझ लेंगे कि साड़ी का मतलब क्या है तो वैसे ही अहले जबान अरबी के जिलबाब का मतलब समझते हैं अरबी जबान में जिलबाब उस कपड़े को कहते हैं जो लिबास के ऊपर पहना जाता है अपना नॉर्मल लिबास पहना है अपना नॉर्मल ड्रेस पहना है उस लिबास के ऊपर जो कपड़ा पहना जाए और वो कैसा हो लगत की रूह से हर वो कपड़ा जो लिबास के ऊपर पहना जाए खुल्लम खुल्ला ढीलम ढीला मोटा दुबीज नॉन ट्रांसपेरेंट तो हर वो कपड़ा जो लिबास के ऊपर पहना जाए और वो मोटा हो दुबीज हो ऐसा मोटा और दुबीज हो कि उसमें से नीचे का लिबास नजर ना आए जिसम की हैयत, जिसम की साख्त नजर ना आए और नीचे का जेरी जामा जो है वो उसका हुसन और उसकी रंगत और उसकी रंगीनी और उसकी जीनत न झलके तो ये लिबास चाहे वो सिला हुआ है और चाहे वो अनसिला है ये लाजिम शर्त नहीं है इट कैन बी स्टेस्ट लाइक अबाया है बुरका है एक काफ्तान है और यहां वो एक खुली चादर है तो ये जिलबाब बताया जा रहा है मुसलमान औरतों को कि तुम्हें जो जीनतें छुपाने का हुक्म दिया गया ना उस जीनत को छुपाने के लिए अब क्या करना तुम्हें बनाओ सिंघार से नहीं मना किया जा रहा लेकिन उस बनाव सिंघार के साथ जब घरों से निकलोगी तो क्या करना जिलबाप ले लेना उस जिलबाप को क्या करना उस जिलबाप कुछ हिस्से को मिन उस जिलबाब के कुछ हिस्से को उसके एक हिस्से को अपने सरों के ऊपर से नीचे लटका लेना झुका लेना और अपने करीब कर लेना अल्लाह अकबर कितनी वसाखत के साथ कितनी प्रसिजन कितनी डिटेलिंग के साथ मेरे रब ने उस जिलबाब के साथ चेहरे के निकाब के तरीके को सिखाया और समझाया। मैं तो जब भी आई ग्रामेटिकली एनालाइज करके पढ़ती हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने उधर सूर नूर में मुसलमान औरत को घर के अंदर दुपट्टा लेने का तरीका हाथ पकड़ के सिखाया सिखाया कि नहीं सिखाया क्या देबना बेहरे अला जो यू बेकन्ना देखो सरों की ओरनी को अब सीनों पर डाल दुपट्टा तो लेने का तरीका सिखाया और अब घर से निकलते वक्त अल्लाह सुबहना ताला ने ऐसे लगता है कि निसाइल मुमिन का हाथ पकड़ के उनको बाकायदा अपने चेहरे के निकाब को अपनाने और उसको पहनने का सलीका सिखाया कितनी डिटेल के साथ कितनी माइन्यूटेस्ट इंस्ट्रक्शन के साथ हाँ शायद सिर्फ ये नहीं कहा कि एक पे नेदर लगा लेना और एक पे इधर लगा लेना बाकी सब कुछ बता है और हाँ उर्दू में नहीं बताया और अंग्रेज़ी में नहीं बताया और हमारी जबान में नहीं बताया अरबी में बताया लेकिन बताया बड़ी परफेक्शन और प्रोसीजन के साथ है। और मैं मेरा ख्याल है अगर आपके साथ ये बात शेयर करूँ कि इतनी डिटेल के साथ तो अल्लाह ने नमाज़ पढ़ने का तरीका नहीं सिखाया क्या ख्याल है नमाज जो दीन का रुकन है असला तो इमादो दीन वो जो जन्नत की कुंजी है उसके लिए तो मेरे रब ने कह दिया अकीमो सलाता उसके उसके लिए तो मेरे रब ने कह दिया दैट इज इट कैसे तकबीर कहां हाथ कहां रकू कैसे सजदा क्या तकबीर में क्या रकू में क्या कयाम में कुछ भी नहीं बताया हाँ हदीस और सुन्नत ने डिटेल के साथ तश्री की लेकिन कुरान में तो नमाज का तरीका इतनी डिटेल में नहीं है जितना मेरे चेहरे के पर्दे और मेरे चेहरे के हुसन की हिफाजत के लिए निकाब का तरीका अल्लाह ने हाथ पकड़ के सिखाया लेकिन उसके बावजूद भी जिद बरए जिद ढटाई पर ढटाई और हुक्म को मानने का इनकार ये तो तर्जुमे के हवाले से इसका तर्जुमा और फिर आगे अल्लाह कहते हैं कि ये जो तरीका तुम्हें सिखाया जा रहा है इसका मकसद ये ताकि वो पहचान ली जाए कुछ लोग इस आयत को मिस यूज करते हैं पहचान ली जाए वो कहते हैं कि पहचान ली जाए पहचानी तो वो जाएंगी तब जब उनका चेहरा खुला होगा अरे वैसे पहचानने का तस्वर नहीं है वो पहचान ली जाए फलायू जैन और वो सताई ना जाए पहचान ली जाए वो बाया बा, बा, बा परदा खातिन जब निकलेंगी अपनी हया और खजाब के साथ तो वो दूर से पहचान ली जाएंगी कि ये बदकार औरतें नहीं है ये आवारा लच्छन की औरतें नहीं है ये बापरदा औरतें हैं ये बाहया औरतें हैं तो अपने ड्रेस कोड के साथ और अपने चेहरे के पर्दे के साथ निकलने वाली दूर से पहचान ली जाएंगी कि ये दीन की गवाही देने वाली अल्लाह की फर्मा बरदान जब तफ्स रखने वाली हैं इनके साथ कोई बुरी बुरी हरकत नहीं करेगा उनको बुरी काम की दावत नहीं देगा और वो सताई नहीं जाएंगी बेहयाई और बदकारी और आवारगी के तरीकों के साथ ये चेहरे से पहचानने का तस्वुर नहीं है जिसको जवाब बना लिया जाता है इसी आयत में मिस इंटरप्रेट कर ये तो इसके तर्जमे को एनालाइज करने के साथ वाज तौर पर हुक्म समझ आ गया अगर इस आयत के नाजिल होने के बाद ये देखें कि इस आयत की तफसीर में ने कुरान क्या कहते हैं और मैं आपको एक बात वाज तौर पर बताऊंगी कि कुरान की आयत की तफसीर राइट फ्रॉम द सोर्स एंड फ्रॉम द ऑरिजिन लें आज बहुत से लोग कुरान की मनमानी तफसीर और मनमानी मन घड़त समझाते हैं एक सॉफ्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन देने के लिए एक नरम टरम दीन मॉडरेट इस्लाम सिखाने के लिए कुरान की आया खुद को नहीं बदलते कुरान को बदल देते हैं का तस्वुर है तो उनसे कुरान की तफसीर सीखें जिन्होंने राइट वसल्लम से कुरान के मानी को समझा था उन्होंने क्या फरमाया कुछ ने कुरान का हवाला देकर अगर आपको आयत की तफसीर बताऊं, सहाबा ताबेन और तबा ताबीन के अदवार में साइड की तफसीर कैसे की गई और बताई और समझाई गई रहमतुल्ला, सिरीन रहमतुल्ला सिरीन ने हज़रत तो सलमानी ये बहुत बड़े मुफसर कुरान उबैदा बहुत बड़े मुफसर कुरान हैं और ये अपने दौर में काज़ी शुरह के हम पल्ला है तो जब सीरीन रहमतुल्ला ने हजरत उबैदा रहमुल्लाह से इस आयत की तफसीर पूछी कि इस आयत का मतलब क्या है मुसलमान औरतों को क्या हुक्म है तो सवाल के जवाब में उन्होंने बोलकर जवाब नहीं दिया उन्होंने सीरीन रहमतुल्ला के सवाल के जवाब में उन्होंने एक बड़ी सी चादर ली उसको अपने सर और अपने जिसम पर लपेटा अपने चेहरे पर लपेटा और अपनी एक आंख खुली छोड़ती ये आयत की तशरी रहमतुल्लाह रहमत की रवायत से हम तक पहुंचती फिर बड़े बड़े मुफसरीन कुरान जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाजिल हुआ उनसे तफसीर सीखी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है हिब्रम्मा स्कॉलर ऑफ द उम्मा ये वो है जिनके दीन के फहम की दुआएं नबी मेहरबान वसल्लम ने एक दो दफा नहीं बार खा की थी अल्लाह फकर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजील इन सब से मुतफरक मौकों पर जब कुरान की आयत की इस आयत नंबर फिफ्टी नाइन सराजाब की तफसीर पूछी गई तो सबके मिलते जुलते सबके मिलते जुलते जवाब थे और वो जवाब इसी नोयत के थे कि ये आयत मुसलमान औरतों को कहती है कि जब वो घरों से निकले तो वो पर्दे का एहतमाम करके अपने जिस्मों को एक चादर से ढांप लें और चलने फिरने की सहूलत के लिए सिर्फ अपनी आंखें खुली रख लें तो ये वो मुफसरीन कुरान जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु से कुरान के मानी और तशरी सीखी थी अहदे सहाबा ताबय तबा ताबईन में जितने लोगों ने कुरान की तफसीर की उन्होंने इस आयत का यही तर्जुमा और यही तफसीर चेहरे के पर्दे का तस्वर समझाया इसके बाद की भी तफसीर अगर आप देखें तो इमाम जरीर बयान में इलामा हसास, अहकामुल कुरान में अमा जमाशरी अल्किशाफ मैं बड़ी बड़ी तफसीर के नाम आपको बता रही हूँ इलाम इलामा निजामुद्दीन निशापुरी गराइबुल कुरान इमाम राजी, तफसीर कबीर मौलाना मदूदी रहमुल्ला, तफीमुल कुरआन में तफसीर इब्ने कसीर में फी जला क़ुरान में अगर अब मुख्तलिफ मक्तबा फिक्र की तफासिर को भी जयत तफासिर को देख लें तो उन सब में इस आयत की तशरी में चेहरे के निकाब का हुक्म वाज तौर पर इस आयत की तफसीर की रूप से साबित अब तीसरा तरीका कि जब यह आयत नाजिल हुई तो उस दौर के लोग जो अरबी जबान को समझते थे जिनकी मादरी जबान थी वो जो मां की गोद में गहवारे में अरबी बोलते थे उन्होंने इस आयत को पढ़ के कैसे रिस्पॉन्ड रिस्प्रोकेट किया था और कैसे बिहेव किया था जो मुखातिब गरों हैं उनके रवैये ही देख लीजिए अजवाचिका पीछे मैं बात कर चुकी हूं सुरानूर में मैं बात कर चुकी हूं और मैंने कहा था मैं फिर कोर्ट करूंगी इसको उमल हजरत आयशा रजी अल्लाह तहा जब पीछे रह गई थी और सोई भी थी और हजरत सिफमान बिन मअिल ने फरमाया नबी वसल्लम की जोजा मोहत्मा तो पीछे रह गई तो हमारी मां हजत रजी फरमाया था रजी अल्लाह ने फरमाया था कि सिफान बिन का उन्होंने मुझे चेहरे के पर्दे की आयत के नाजिल होने से पहले देखा इस आयत के नाजिल होने के बाद हिजाब के हुक्म के बाद और युद्धी नाजिल के बाद महातिल मोमिन खुले चेहरों से नहीं फिरती थी बेनकाब नहीं फिरती थी कि उनको साहबा एक राम देखते और पहचानते वो तो इस हुक्म के नाजिल होने से पहले जब खुले चेहरे थे तो हजरत सिफान ने देखा तो इसलिए पहचान लिया ये अजवाज का का रवैया है और फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ने मजीद एहसान कर दिया उम्मत की माओ बेटियों के लिए ये जो एक डिबेट और एक डिस्कशन आनी थी ना ये छह मगोइयां बहुत ही बढ़ जाती हैं अगर ये जवाज ना होता उन्होंने वाजियत तौर तो पर फरमा दिया कि सफान बिन मअिल तो अपना चेहरा गद्दे बसर का हुक्म है वो अपना चेहरा उधर करके बैठ गए थे लेकिन मैंने अपने चेहरे पर चादर डाल ली थी युद्ध ना लई मिन जिला बिहन हजरत रजी अल्लाह मर्द की मौजूदगी में करती हुई नजर आ रही है बनाती का अपनी बेटियों को भी कहते तो फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा फातिमा रजियाल्लाह तला जन्नत की खवातीन की सरदार वो इस हुक्म को कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं हया है का पैकर हज़रत फातिमा रजियला की एक साथी वो फरमाती हैं कि हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तह बीमार थी मैं आदत के लिए गई तो मैंने देखा कि हज़रत फातिमा रजी अल्लाह परेशान हैं और हज़रत अली रजी अल्लाह तु से मुखातिब होकर कुछ कह रही हैं और फिक्र और परेशानी क्या थी और ताक़ीद क्या थी शौहर को परेशानी ये थी कि जब वफात के बाद जनाजा निकलेगा तो ना मेहरम की निगाह जिसम की कहीं साख्त पे ना पड़ जाए हजरत अली रजी अल्लाह को फातमा तो जहरा रजी अल्लाह ताकीद फरमा फरमारी है कि अली जब मेरा जनाजा निकालो तो रात के अंधेरे में निकालना सुबह ही है हया का पैगाम ये है पर्दे का पैगाम और ये है एक मुसलमान औरत के लिए रोल मॉडल हजरत फातमा तो जहरा रजी अल्लाह तक अली जब मेरा जनाजा निकालो तो रात के अंधेरे में निकालना कहीं दिन के उजाले में जिसम की साख जिसम के उभार किसी चीज पर न महरम की निगाह न पड़ जाए ये है शौक हया का। ये हयादारी का एहतम है जो हमें नजर आता है तो रफीका फरमाती हैं कि मैंने मैंने कहा कि आप परेशान ना हों मैं आपको एक बात अच्छी सी तजवीज़ देती हूँ ये कहीं हबशा की हिजरत कर चुकी थी तो उन्होंने कहा कि मैं जब हबशा गई तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो अपनी ख़ीन के जनाजे जब लेके जाते थे तो वो लकड़ियों का एक ढांचा सा जो दरख्तों की शाखें होती हैं ना ब्रांचेस होती हैं उसके साथ एक स्ट्रक्चर एक ढांचा सा मैय के ऊपर बना लेते थे और उस पर चादर तान देते थे ताकि जो ख़वात हैं उनके पर्दे का एहतमाम रहे तो इन्होंने तसल्ली दी कि अगर आप इतनी परेशान हैं इस मामले में तो हम आपके लिए इसी चीज़ का एहतमाम कर लेंगे और तारीख बताती है कि हज़रत फातमा रज़ी अल्लाह त जनाजा वक्त निकाला गया था तो ये तो नमूना है अमली तशरी का और और का ने क्या किया अपने साइल मोमिन उस दौर की मदीना की खातीन जब यह आयत नज़र नाजिल हुई और यह आयत का पैगाम मदीना की औरतों को पहुंचा तो क्या हुआ वो जब यजरेबना बेख्मन्ना का हुक्म आया था तो उन्होंने अपने कमरबंद खोल के दुपट्टे बना के अपने सरों की ओढ़नियां सीनों पर ढांप ली थी यहां हुक्म आया सल हन्ना में वराए हिजाब का हुक्म आया था तो तमाम मदीना के घरों के दरवाजों के ऊपर चादरें और पर्दे लटका लिए गए थे और जब ये हुक्म आता है तो फिर तमाम मुसलमान खातीन सहाबियात ऐसे चादरों में और ऐसे जिलबाबों में लिपटी सिमटी भी निकलती थी कि हज़र तायशा रजील्ला मौजूद गवाकी देती हैं कि वो सहाबियात ऐसे निकलती थी अपने घरों से का अन्ना हु ऐसे लगता था कि वो बड़े बड़े काले कव्वे या सर से लेके पांव तक ऑल क्लैड इन बिग बिग ब्लैक चिलबाब्स बड़े बड़े सादे लिबासों के अंदर वो मलबूस बाहर निकलती थी और फिर गवाही फिर नमूना फिर मिगसाल हसरत उम्मलाद रसी अल्लाह तहा ये वो सहाबिया हैं एक मैदान जंग में उनके भाई और उनके बेटे की शहादत बहन के लिए भाई और माँ के लिए बेटे से जुदाई बहुत बड़ा दुख है बहुत बड़ा जख्म है हजरत उम्मलाद रजील्ला को जब यह खबर मिलती है भाई और बेटे की शहादत की तो अपने घर से निकलती हैं तो अपने पूरे पर्दे के एहतमाम से निकलती हैं इस हालत में इस गम की हालत में भी इतने पर्दे की हालत में देखकर सहाबा इक्राम ने भी सवाल किया कि बहन इस हालत में भी तेरा पर्दा कायम है उम्मे खलात ने जवाब दिया था आई ओपनर मैसेज है मेरे और आपके लिए और उम्मत की हर औरत के लिए उम्मी खलाद ने जवाब दिया था पूछने वालों से भाइयों मैंने अपना बेटा और भाई खोया है अपनी हया नहीं खोई ये पैगाम है मैंने अपना बेटा और भाई खोया है मैंने अपनी हया नहीं खोई ये पैगाम है उम्मे खलाद का जो मुझे और आपको जिससे मुतारिफ करवाना है उम्मत की बेटियों को बहनों को आज हमने अपनी हया खो दी आज हमने मिनहसुल कौम अपनी हया खो दी। ऐसे कोई है कि लगता है कि शायद सौदा ही कर लिया है आपका ऐसे लगता है कि इस बेहिसी में आके हमने हया के रिदा को लपेट के कहीं बहिरा अरब में फेंक दिया हया खत्म हयादारी खत्म ये हया का सौदा नहीं है तो और क्या है आज इस सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की गलियों में कूचों में शहरों में बाजारों में स्कूलों में कॉलेजों में जवान और जवान और कंवारी बच्चियां नबी अलैहि वसल्लम की हया की क्या मिसाल हदीस में आता है ना कि आप वसल्लम एक कंवारी बच्ची से ज्यादा एक कंवारी लड़की से ज्यादा खया वाले ये तो मिसाल इसलिए दी गई है कि ये एग्जाम्पल है आज हमारे माशरे के अंदर जवान कंवारी बच्चियां गलियों में कूचों में चौराहों में बाजारों में यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में कैफेटेरियाज में कॉन्सर्ट्स में जुल्फे खोले बाल बिखेरे जयूब सीने खोले पढ़ते दुपट्टे उतार कर स्लीवलेस हाफ स्लीव्स टाइट्स जीन्स टॉप्स, कैसे बेहयाई का लिबास कैसी के लिबास लटकती मटकती और फिर बहुत दफा अपने बापों और अपने भाइयों के साथ इस हुए में गलियों में चलती नजर आती ना बाप को हाया आती है ना भाई गैरत से उठता है बल्कि उल्टा आज हमारे सो so कॉल्ड प्रोग्रेसिव माशे के भाई और बाप अपनी ऐसी उरिया लिबास वाली बहनों को देखकर और बेटियों को देखकर फखर करते और फखर से ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी बेटी हमारी बहन बहुत तरक्की कर रही है बहुत प्रोग्रेसिव हो गई है बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है बहुत मॉडर्न हो गई है बहुत सक्सेसफुल है बहुत रिफाइंड है सिर्फ ये नहीं कि हया और गैरत नहीं करते उल्टा उन पर फख्र करते हैं और इतराते हैं उनके इस रवैये और इस लिबास पर यह है हया का सौदा, यह है हया की चादर को तार तार करके उधेड़ के फेंक देने का रवैया जो हमने मिनहसुल कौम अपना ली अल्लाह ने हया के लिए मॉडेस्टी के लिए खातिन को पर्दे और लिबास के लिए क्या क्या अहकाम दिए सुरहरा राफ में अल्लाह ने फरमाया और एक तरतीब से आते हैं सुरहराफ में अल्लाह ने फरमाया कदन सलाई कुम लिबास कुम ये लिबास ही मैंने तुम पर इसलिए नाजिल किया था कि तुम्हारे काबिल सतर हिस्सों को काबिल शर्म हिस्सों को छुपाए और फिर अल्लाह ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक खुलासे की शक्ल में फरमा दिया लिबास का खैर के खुलासा यह कि वैसे तुम्हारे लिए तकवा का लिबास मुत्तकियों परहेजगारों खुदा खौफी करने वालों का लिबास तुम्हारे लिए बेहतरीन लिबास है और फिर वो लिबास क्या है उसकी वजाहत आई घर के अंदर या रिबना बेखमर खिन्ना अला जो देखो घरों के अंदर होगे तो अपने सरों की ओरनियों को अपने सीनों के ऊपर डाल लेना ताकि तुम्हारी ये जिस्मानी निस्मानी जीनतें छुप जाए फिर अल्लाह ने सूरा नूरी में फरमाया वा जीना तान्ना ये कैटेगरी है ये लिस्ट है ऑफ पीपल इनके अलावा अपनी जीनतों का इजहार ना करना ला दे दिया अल्लाह ने फिर अल्लाह ने सूरा हिजाब में फरमाया ना उजना तबरुजुल जा अपनी सज धज बनाओ सिंगार अपने आप को प्रोमिनेंट करके कंस्पिकवस करके कैची करके बहुत अट्रैक्टिव करके गली कूचों में न फिरती रहना ये जाहलियत का तरीका है फिर अल्लाह ने फरमाया, हन्ना में हिजाब तुम्हें उनसे इंटरैक्ट करना है तो एक हिजाब एक रुकावट एक बैरियर एक ऑब्स्ट्रक्शन और फिर अल्लाह ने यहां पर फरमा दिया मिन बे हिन। इन तमाम चीजों को अपनाने के लिए फिर तरीका यही है कि ना तुम्हारा तबरुज होगा लिबास भी लिबास हो, तकवा होगा तुम्हारा सतर भी ढांपेगा तुम्हारी जीनतें भी नजर नहीं आएंगी तो जिड़वाब लेके उसको सरों के ऊपर से निकाब की शक्ल में लपेट लेना एक घूंघट निकाल लेना आए नबी सल वसलम ने सुनाए समझाए और हाबियात ने पूरे के पूरे पर्दे के अहकाम को अपनाया और अपनाने के बावजूद भी वो शाना पर दावत तबलीग इशात निफास जंगों में जाती रही कहीं मरम पट्टी हो रही है कहीं जख्मियों को पानी पिलाए जा रहे हैं कहीं एक्चुअली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उम्मे हमारा तलवार सब चलाती हुई नजर आ रही ये पूरे अपने पर्दे ये पूरे अपने निकाब और पूरे हिजाब के साथ नबी ये मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ताबईन तबा ताबइन सारे एदवार में खुवान शाना बशाना चलती रहीं लेकिन हया और हिजाब कायब रहा और ये काफिला चलता रहा कुछ सदियाँ चलता रहा फिर शैतान ने फितना डाल दिया फिर शैतान ने बसवसा डाला वसवसा क्या था शायद उसने मुसलमान मर्द को यह समझा और सुझा दिया कि तेरे पास तो एक बड़ी अल्लाह की हसीन मखलूक है तेरे पास तो एक बहुत खूबसूरत कमोडिटी है इसे बेच और माल कमा बस फिर वो बिकने लगी कहीं किसी बाप ने किसी शौहर ने किसी भाई ने उसकी खूबसूरत जुल्फे लहरा कर अपनी शैंपू की बोतल बेची कहीं उसके मोतियों जैसे दांतों की मुस्कुराहटें दिखाकर अपनी टूथपेस्टें बेची कहीं उसको कैट वॉक करा के अपने डिजाइनर जोड़े बेचे हाँ है बेचने की चीज इसे बार बार बेच और बिकती रही और बिक रही है हर चौराहे पर हर साइन बोर्ड पर हवा की बेटी बिकती है हर इश्तिहार में वो हवा की बेटी का सौदा होता है अरे वो बेचने वालों ने तो अपनी जेब को गर्म करने के लिए बेचा ये हवा की बेटी खुद क्यों बिकती है खुद अपने आप को बेचने पर आमादा क्यों होती है और इसको भी छोड़ें वो तो बाकायदा एक शोबेस की दुनिया है ना जहां हवा की बेटियां बिकती हैं और कीमतें लगती हैं आम घरानों की मुसलमान खातीन खाते पीते पढ़े लिखे सो कॉल्ड मॉडरेट मुस्लिम घरानों की खातन उठती हैं, बाजारों को जाती हैं, क्या करती हैं सारा माल सारा वक्त सारी सलाहियतें सारी ताकतें गाड़ियां सवारियां ड्राइवर सब खुदा दाद सब अल्लाह का दिया हुआ है और ये सारी अल्लाह की दी हुई नेमतें देकर अपने लिए, लिए लिबास बना के किया पसंद पसंद सारी अल्लाह के दिए हुए इस्बाब रिसोर्सेज वसाइल इस्तेमाल करने के बाद वो या तो अपने शोहर की पसंद का लिबास या पीयर प्रेशर में आके अपनी सहेलियों की पसंद का लिबास या माशरे और बरादरी की पसंद का लिबास वो कहते हैं खाओ मन भाता और पहनो जग भाता जग पसंद का लिबास बना के ले आती हैं, रब पसंद लिबास नहीं बनाती सारे असबाब और वसायल रब के दिए हुए हैं और लिबास मनपसंद या जग पसंद अच्छा कब तक बनाती हैं? और कब तक बना सकेंगी कुरान बताता है ना कुल्लू नफ सिंजाय का तुल मौत तब तक मनपसंद तब तक दुनिया का पसंदीदा लिबास बहुत सो को हमने घसलाया भी और बहुत सो को हमने कफनाया भी मौत के बाद सबने क्या पहनना है कभी किसी मैयत को उरियां कफन पहनते हुए कभी किसी डिजाइनर किसी डिजाइनर कफन को जनाजे में जाते हुए देखा मौत के बाद तो कफन में वही लिबास है ना जो हदीस और सुन्नत का वजा करता है और वो सबने पहनना ही पहनना है ताउन करहन चाहते ना चाहने के बावजूद भी हर मुसलमान को वही कफन जो हदीस और सुन्नत से वज़ा किया गया वो सबने पहन के ही जाना है तो फिर मुझे बताएं दिलो दमाग से सोच के बताएं अपने दिलों पे हाथ रख के गवाही दें फिर आना कौन है समझदार कौन है आपको बताऊं फिर सियानी वो है समझदार वो है जो अपनी जिंदगी की महलत अमल में अपनी जिंदगी के इख्तियार अमल से दस्तबरदार होकर मन पसंद नहीं रब पसंद लिबास अपना लेती है उलूल अलबाब की सिफात में सियानों होशमंदों के सफ में शामिल होनी फिर होने वाली खुशनसीब वो हैं जो अपनी जिंदगी में जो अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी अपनी रजा और अपनी अतात के साथ जग पसंद नहीं रब पसंद लिबास अपना लेती है लोगों की बरादरी की सहेलियों की फिक्र किए बगैर वो जो अल्लाह कहता है ना मोमिनों का पैमाना क्या है वाला या खाफून अलाउ कैसी मलामत करने वाले की मलामत की फिक्र के बगैर अल्लाह की अतात जस्ट नॉट बॉद लोग क्या कहेंगे लोग क्या पूछेंगे ये तूने क्या होलियां बना लिया ये तू तो कैसे बन गई मुंह सिर लपेट के किसी की परवाह किए बगैर किसी की नाराजगी किसी के सवाल की परवाह किए बगैर किसके सवाल की परवाह है अल्लाह का सवाल अल्लाह की नाराजगी अल्लाह को राजी करने का शौक और ये मुतहरक है उसके लिबास का लोगों की नाराजगी की फिक्र करनी छोड़ दीजिए फलसफा याद रखिए रब राजी तो सब राजी रब राजी तो सब राजी रब रूठे तो सब रूठे अल्लाह हमें ये हकीकतें समझ कर फिक्र आखरत से आशना होकर लिबास तकवा की लगन से बा हया बा लिबास पहनने वालियां बना अल्लाह हमें हमें अपनी लिबासों से रब के रब के वज़ा करना लिबास की गवाही देने वालियां बना अल्लाह हमारी उन गवाहियों को ख़ामोश दावत दीन का जरिया भी बना तो अल्लाह सुबहाना ताली ने बड़ा क्लियर कट दो टोक हुक्म बता दिया और उसकी वजह भी बता दी और साथ ही अल्लाह ने फरमाया वकान अल्लाह गफ़ुरमा अगर तुमसे कमियाँ कुतायाँ होती रही हैं तो वो रब बड़ा बख्शने वाला है रब फिर वम रब फिर वमवान तेर उन आयत नंबर सिक्सटी अगर मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में ख़राबी है और वो जो मदीना में हैजान अंगेज़ अफवाहें फैलाने वाले हैं अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तुम्हें उठा खड़ा करेंगे फिर वो इस शहर में मुश्किल ही से तुम्हारे साथ रह सकेंगे उन पर हर तरफ़ से लानत की बोछाड़ की जहाँ कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह से मारे जाएंगे ये अल्लाह की सुन्नत है जो ऐसे लोगों के मामले में पहले से चली आ रही है और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे आयत नंबर 63 यस लोग तुमसे कयामत की घड़ी के बारे में पूछते हैं तो कहो उसका इल्म तो ही को है तुम्हें क्या खबर शायद वो करीब ही लगी हो <laughs> कयामत की घड़ी का तस्करा आ रहा है और वैसे मैं आपको बताऊं कि कयामत एक तो वो बड़ी कयामत है ना जिसे क़यामत कुबरा कहा जाता है वो जब नोफाफिस सूर फायज़ा हूँ मिनल जुदासीब हिमियन यंसलून के जब पहला सूर और दूसरा सूर और दुनिया ज़मीन बाला और लपेट कर कुछ का कुछ और लोगों को कब्रों से उखाड़ा जाएगा एक तो वो क़यामत कुबरा है लेकिन हदीस बताती है कि जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत आ गई मौत क़यामत सगरा है और मेरा ख्याल मुहावरा भी है ना कि जब किसी घर में कोई शख्स एकदम से हादसे में या ना कहानी मौत तो लोग कहते हैं कि उनके घर में तो ऐसे जैसे क्यामत टूट पड़ी तो मौत भी कयामत सगरा है अब यहां पे सवाल आ रहा है कि वो लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं तो अल्लाह कहता है कि उसका इल्म अल्लाह को है और तुम्हें क्या करीब के वो तुम्हें क्या इल्म के वो करीब आ लगी हो कुरान की आयत में और मजामीन में एक रब है ये चीज यहां पे क्यों असल में मैं आपको बताऊं कि जब कुरान में कुछ अहकाम ऐसे होते हैं ना जो कारी कुरान वो जो हमने सूर्य वगैरह में पढ़ा था कि उसके आसाप पर बिजली की कड़क और साइके की तरह गिरते हैं तो मुश्किल एहकाम को सुनकर अमूमन लोग खड़े हो जाते हैं ठिठक जाते हैं कुछ लेने वाले और कुछ ना लेने वाले फिर पिक एंड चूज करने लगते हैं तो उस हवाले से बात की जा रही है कि बहुत दफा कुरान में जब ऐसे अहकाम है आते हैं जिन पर अमल मुश्किल लगता है भारी लगता है गिर लगता है ये मैं करूंगी कैसे होगा क्या बनेगा क्या लोग कहेंगे क्या मैं फेस कैसे करूंगी मैं जवाब कैसे दूंगी मैं लॉजिक क्या बताऊंगी सहेलियां क्या कहेंगी और मैं उनसे क्या कहूंगी? जब कुछ ऐसे अहकाम मुश्किल लगते ना तो फिर एक एक रवैया होता है उसको पोस्टपोन करने का उसको डिले करने का होता है कि नहीं होता अल्लाह झूठी हो जाए ना ही करना पड़े तो डिलेइंग टैक्टिक्स मुझे याद है आ, पिछले बैचेस में से एक बच्ची ऐसे ही सननूर और हज़ाब पढ़ा और वह मेरे पास आई और उन्होंने अपनी अपने एक दिल की कैफियत का मेरे साथ इज़हार और डिस्कस किया उसने कहा कि उस्ताद उस मैंने पढ़ ली है और मैं चेहरे के पर्दे से कायल तो हो गई हूँ और मैंने इरादा भी कर लिया कि मैंने निकाब भी लेना है और मैंने चेहरे का पर्दा भी करना है लेकिन बस मैंने ना ज़रा ये चार पाँच महीने गुजर जाए तो फिर करना है मैंने कहा क्यों ये इतना डिले क्यों है अल्लाह तो कहता ना कि तुम ऐसे करो फतौल हमद के अगर तवील कर लोगे तो फिर दुनिया की हवा और माशरे की हवा लगेगी दिल सख्त हो जाएगा तो तुम डिले क्यों कर रहे हो तो उसने कहा बस दो वजूहत हैं एक तो ये कि अभी कुछ महीने के बाद ना मेरे खालाजाद की शादी है और ख़ाला की शादी पर ना सारी बरदरी ने आना है और सारे घराने वालों ने आना है और मुझे ना बहुत डर लग रहा है कि अगर सारी बरादरी के सामने मैं निकाब लेके शादी में शामिल हुई ना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत ही तनकीद होगी बस मैं चाह रही हूँ कि ये ना एक दफ़ा गुजर जाए बस उसके बाद आराम से करूँगी ना किसी को फेस करूँगी ना किसी को जवाब दूँगी और दूसरी बात यह कि मेरी एक और कज़न है न वो भी कुरान पढ़ रही है और बस मुझे यकीन है कि जब वो पढ़ लेगी ना तो फिर वो भी पर्दा कर लेगी अब बस मेरा दिल है कि हम दोनों ना इकट्ठे ही करें ताकि हम दोनों के लिए आसानी हो जाए हम दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टर्स बन जाए तो मैं आपको बताऊं कि असल में तो वो जो पहला कतरा होता है ना कुरान क्या कहता है क्या बनो अव्वल मुसलिमीन है ना जो पहला बारिश का कतरा है उससे जो महक फैलती है ना वो बाद वालों से नहीं फैलती और जो पहला बारिश का कतरा जजब होता है वैसे बाद वाले नहीं होते तो मैंने कहा फस्ता बिल्कुल खैर क्यों नहीं करती तो बहरहाल मैं आपसे शेयर करने का मकतव ये है कि शैतान एहकाम पढ़ने के बाद दिल में तरद डिले पोस्टपोनमेंट का ख़याल डालता है तो अल्लाह ने जवाब दे दिया वो पूछते हैं कि मौत कब आएगी मेरे पास कितना को वक्त है अल्लाह ने कहा तुम्हें क्या पता वो करीब ही अलग ही हो तो अल्लाह बुनियादी तौर पर हमें मोलत अमल के गैर यकीनी होने का एहसास दिलाकर क़ुरान की आयत को पढ़ने के बाद की लोकाल बहस डिले पोस्टपोनमेंट से बचने की तरफ माइल कर रहा है अपनी मौत तक का इंतजार ना करो तुम्हें क्या पता क्या ख्याल है मुझे और आपको पता है पता है मैं पता नहीं इन सीढ़ियों से नीचे उतरूंगी बिके नहीं और आप पता नहीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगी नहीं किसी को कुछ नहीं पता तो अल्लाह कह रहा है, जब कुरान के सुनते वादा करके उठा करो क्योंकि महफिल में क्या होता है दिल नरम होता है कुरान की आयात का असर तभी होता है जब दिल नरम हो और जब हम कुरान की महफिल से निकलते हैं बाहर के माशरे की और बरदरी की हवाएं लगती हैं ना तो फिर दिल सख्त भी हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है तो जब भी ऐसे अहकाम सुने उसी वक्त का वादा करके उठें। उसी वक़्त अतात का वादा करके अल्लाह से उठें अल्लाह से मदद मांग के उठें अल्लाह से इस्तकामत की तौफीक मांग के उठें और अल्लाह से आसानी की रास्ते की आसानी और रुकावटों की दूर करने का वादा और दुआएं करके उठें अल्लाह हामी और मददगार ज़रूर बनता है अल्लाह वलीज़ीन आमनजून मिन मिनुमा नूरूर का मामला है अल्लाह हमें वो उर्वतिलवस्का थामने और अतात करने की तौफीक अता फरमाए तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें क्या खबर कि शायद वो करीबी आ लगी हो बहरहाल ये यकीनी अमर है कि अल्लाह ने काफरों पर लानत की है काफिर कौन होते हैं ये बात तो अब हम बहुत दफा बता चुके हैं ना कि काफिर सिर्फ बुतों को देवियों को सूरज और चांद तारों को पूजने वाले काफिर नहीं हैं वो भी काफिर हैं वो भी मुशरिक बुत परस्त हैं लेकिन काफिर और कौन से होते हैं काफरा का मतलब अल्लाह के अहकाम का इनकार करना टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑर्डर्स एंड कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह wa Taala भी कुफर है तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म सुनोगे और मानने और अतात करने से इनकार करोगे तो उन पर क्या है लानत लानत क्या होती है लानत का मतलब क्या है अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाना और अल्लाह की रहमत वो है जिसके बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला से फरमाया था कि आयशा अगर अल्लाह की रहमत मेरे भी शामिल हाल ना हुई तो मैं जन्नत में दाखिल नहीं होगा तो अल्लाह कह क्या रहा है पर्दे का हुक्म देने के बाद निकाब की तालीमात समझाने के बाद अल्लाह कह रहा है कि अगर अल्लाह का हुक्म सुनोगे और अहकाम पर अतात का इनकार करोगे कुफर करोगे तो फिर क्या है जन्नत से महरूम हो जाओगे ये मलून है कबीरा गुनाह है जन्नत से महरूम हो जाओगे जन्नत से महरूम हो जाओगे तो फिर कहाँ जाओगे ऑप्शन बहुत सी हैं क्या के दिन ऑप्शनस कितनी हैं दो ही ऑप्शनस हैं या जन्नत है या जहन्नुम है अब जन्नत से महरूम हो गए कौन सी जगह रह गई जहन्नुम क्या होगा पढ़े भड़कती हुई आग अल्लाह के अहकाम को सुनने समझने जानने पहचानने के बावजूद इनकार करोगे मलून है जन्नत से महरूम हो जाओगे कहाँ जाओगे भड़कती हुई आग अच्छा चलो थोड़ी देर यहां पे फैशन करके वहां जल भून लेंगे नहीं क्या कह रहा है क्या कह रही है हौली फी हा हमेशा उसमें रहोगे कोई ना कोई तो सिफारिश करके निकाल लेगा ला या जदूना वली नसीरा, अल्लाह की नाफ़रमानियाँ अल्लाह की सरकशियाँ मलून कबीरा गुनाह जिद और ढिटाई के साथ जानने के बाद करोगे तो आग में डाले जाओगे वहाँ पे हमेशा रहोगे और कोई निकालने वाला वली मददगार सिफारशी नहीं मिलेगा जहनुम की आग में जाओगे तो कैसे होगा नंबर 66, जिस रोज उनके चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे रबी फिर रबी अस्त रबी मिन कुल रबी बिनकुल तू बोले जिस रोज उनके चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे उस वक्त वो कहेंगे हसरतें क्या कहेंगे काश हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की अतात की होती और क्या कहेंगे ए रब हमारे रब हमने अपने सरदारों अपने बड़ों की अतात की जो हमारे माशे के ट्रेंड सेटर्स थे जो हमारे माशे के डिज़ाइनर्स थे जिनको लोग आइडलाइज़ करते थे ग्लैमराइज करते थे वो टॉप स्टार्स वो कैटवॉक्स वो सब कुछ हम तो उन्हीं की अतातें करते रहे उन्होंने हमें राह रज से बेराह कर दिया ए रब अब उनको दोरा अजाब दे और उन पर सख्त लानत कर ऐसा ही जुमला सूर्य राफ में भी आया था ना वो बाद वाले जब आएंगे तो वो पहलों को कहेंगे अल्लाह यही यही थे जिन्होंने हमें गुमराह किया था अब तो इनको दोरा अजाब दे अल्लाह क्या कहेगा आवाज क्या आएगी हर एक के लिए दोरा है अगर इनको दोरा इसलिए कि इन्होंने तुम्हें मिस गाइड किया तो फिर तुम्हारे लिए दोरा इसलिए कि तुम्हें तुमने किसी और को मिस गाइड किया और अगर आप ये आयत देखें आयत नंबर सिक्सटी सिक्स न फिहा अबदा और फिर कोई वलियन वला नसीरा नहीं है और फिर आग पर चेहरों का उलट पुलट होना ये बात शायद आप कुरान में बहुत दफा देखेंगे भी और मैं भी तफसीर में यह बात करती हूँ कि हमें कुरान और हदीस में ये बताया जाता है कि कयामत के दिन और जहन्नुम में जो गुना का उज उस है ना उसको सजा दी जाएगी जो बॉडी पार्ट जिसने वो गुना का इरतकाब किया होगा उसको सजा दी जाएगी जैसे हमने लाहवल हदीस में सुना कि जिन्होंने मौसीकी सुनी होगी उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा यह हदीस हमने सुनी ना तो जो बॉडी पार्ट जिसने जो गुनाह या जो सिन कमिट किया होगा उसको सजा दी जाए यहां पर क्या हुक्म है चेहरे के पर्दे का हुक्म चेहरे को निकाब से ढांपने के हुक्म के बाद फरमाया जा रहा है कि वो चेहरा जिसको ढांपना तुम्हें मुश्किल हो के आता आप देखिए कि अमूमन जब कुरान पढ़ा जाता है सिखाया जाता है तो लोग चादर भी ले लेते हैं जिलबाब भी ले लेते हैं हिजाब भी अडॉप्ट कर लेते हैं असल जो तान टूटती है ना वो चेहरा ढांपना चेहरे को कवर करना अमूमन लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है तो ये आये चीख चीख के ऐलान कर रही है कि वो जो चेहरा ढांपना तुम्हें मुश्किल लगता था वो जो छ आठ इंच का निकाब का टुकड़ा तुम्हें अपने चेहरों पे डालना मुश्किल लग रहा था ना और भारी और गिरा लग रहा था ना फिर वही चेहरे फिर वही बेनकाब चेहरे जो है ना फिर वो आग के ऊपर रोस्ट और टोस्ट किए जाएंगे अल्लाह अल्लाह तज अल्लाह मिन हम अल्लाह हुम। अल्लाह तज अल्लामिन अल्लाहुम अजिना और फिर सिर्फ वो चेहरों को आग पे नहीं उलट पुलट किया जाएगा फिर हसरतों का अजाब भी होगा फिर रिग्रेट्स भी होंगी हम किन के पीछे चल के ये करते रहे और जिनको हम आइडियलाइज और जिनको हम ग्लैमराइज और जिनको हम पीछे कॉपी करते रहे वो हमें किस अंजाम तक पहुंचा गए अल्लाह नदामतों से बचा अल्लाह पशेमानियों से बचा अल्लाह शर्मिंदगी से बचा अल्लाह उस दिन की जिलतों और रुसवाइयों से और अजाब से बचा ए लोगों जो ईमान लाए उन लोगों की तरह ना बन जाओ जिन्होंने मूसा आसमाम को अज़ीतें दी फिर अल्लाह ने उनकी बनाई हुई बातों से उसकी बिरात नाजिल फ़रमाई और वो अल्लाह के नज़दीक बाइज़त था ऐमान लाने वालों अल्लाह से डरो आयत नंबर सेवेंटी और सेवेंटी वन भी एक बहुत अहम पैगाम देती يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله فرما إيمان کہ ایمان دانے والو اللہ سے ڈر उसके हिसाब किताब सवाल जवाब पूछ गिज उसके सामने खड़े होने से उसके उसके सामने नामा या माल के खुलने से तुलने से क्या पहन के आए हो क्या ओढ़ के आए हो क्या लिबास था क्या हयाती वो सब चीजों से सवाल से डर जाओ और क्या करो तकवा का है, कौलन सदीदा बात सीधी और ठीक करो गलत बयानी ना करो गलत बात ना जबान से निकालो ये क्या है आपको मालूम है कि जब बहुत से लोग निकाब और पर्दे के वाज अहकाम के बावजूद पर्दा नहीं करते और निकाब नहीं अपनाते और वेल के खिलाफ एक तरीका हैं तो बहुत से लोग अपनी उस अमली कमी को और अपने अमल की कोताही को कवर अप करने और जस्टिफाई करने के लिए बड़ी दीदा दिलेरी से कहते हैं कुरान में लिखा ही नहीं है कुरान में लिखा ही नहीं है कि सर को ढांपो कहाँ लिखा है कि चेहरे का पर्ता है अरे कोई नहीं लिखा ये उस दौर की औरतों के लिए तो अल्लाह ये कह रहे अल्लाह यह कह रहे कि अल्लाह से डर जाओ और खौफ खुदा का तकाज़ा ये कि अगर कुरान का हुक्म सुनने के बाद समेना व अतवाना नहीं कर रहे और कम अज कम अगर तुम्हें अतात की तोफीक नहीं हो रही तो कम अज कम फिर बात गलत ना करो फिर अल्लाह के एहमाम की, की तब्दीली और उसके तगैर और उसकी तनकीद और उसकी नफी के जुमले अपनी जबान से मत निकालो अरे अल्लाह के बंदो दोरे गुना तो ना करो एक मान के अतात नहीं करते और अमल नहीं करते और ऊपर अल्लाह के अहकाम की नफी भी करते हो कि अल्लाह ने कहा ही नहीं तो अगर अमल की तोफीक नहीं है तो कम अज कम मुंह से तो अल्लाह के सही अहकाम की नफी ना करो मुंह से तो सही अहकाम का इतराफ करो गोलू कौलन सदीदा जब तुम ये रवैया अपनाओगे तो फिर पता है क्या होगा फिर अल्लाह तुम्हारे अमाल की इसलाह भी कर देगा कैसे मैं आपको बताऊं कि एक शख्स जो नाफरमानी करता है और फिर अपनी नाफरमानी को कवर अप करके जस्टिफाई करके अल्लाह के अहकाम को बदलने का तरीका इख्तियार करता है उसके लिए इसलाह का इम्कान नहीं होता उसके लिए इसलाह का दरवाज़ा बंद हो जाता है क्योंकि वो तो अपनी गलती को पहचान ही नहीं रहा ना इसलाह किसकी होती है इसलाह सिर्फ और सिर्फ उसकी होती है जिसको सही बात पता होती है उसको सही का एतराफ़ होता है और फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है जिसका ये ख्याल हो कि ये हुक्म ही ऐसे नहीं है और मैं कारी ठीक रही हूं और मेरा रवैया ही गलत नहीं है क्या ख्याल है उसकी इस्लाह का इमकान है उसको तो ना नदामत ना पेशेमानी ना इस्लाह की ख्वाहिश तो अल्लाह कह रहा है अगर ये हुक्म सुनने के बाद तुम्हें भारी लग रहा है गिरान लग रहा है तुम्हें लगता है कि सोशली तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है रुकावटें हैं शायद कभी शोहर रुकावट है कभी माशरा रुकावट है तो फिर एक बात करो अपने उस गलत रवैये को कवर अप और जस्टिफाई करने के लिए वो जो सूरह इमरान में अल्लाह ने जन्नतियों के सिर्फ बताई थी लम या सिरूल फा हुम यालमून जानते बूझते अल्लाह के अहकाम को बदलने की कोशिश ना बात तो सही कहो ना एक्सेप्ट तो करो कि हाँ अल्लाह का हुक्म है परता अल्लाह के अहकाम में निकाब का हुक्म है ये मैं डिफॉल्ट कर रही हूँ मैं कमी कर रही हूँ कम अज कम इतना करेज तो रखो और दोरे दोरे गुना तो ना करो और जब तुम ऐसा रवैया अपनाओगे कि बात सीधी मानोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी इसलाह भी हो जाएगी और फिर अल्लाह तुम्हारे कमियों कोताइयों को माफ भी कर देगा और फिर अल्लाह ने दो टोक समझाया सुपर कामयाबी चाहते हो फौजन अजीमा अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सक्सेस चाहते हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रसुल कर लो अल्लाह हमें समझने का तरीका बता आगे 72 में हैं, हमने इस अमानत को, के अहकाम और हदूद और अल्लाह के हलाल हराम नेकी गुनाह के जो तस्वुरा तो हैं हमने कुरान के अहकाम इस अमानत को आसमानों जमीनों और पहाड़ों के सामने पेश किया तो वो उसे उठाने के लिए तैयार ना हुए और उससे डर गए मगर इंसान ने उसे उठा लिया बेशक वो बड़ा ही जालिम और जाहिल अन अकुना मिनल जाहिलीन। इस मारे अमानत को उठाने का लाजमी नतीजा है कि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और औरतों और, और, और मुशरिक मर्दों और औरतों को सजा दे और मोमिन मर्दों और औरतों की तौबा कबूल करे अल्लाह गफ़ूर रहीम दरगुजर करने वाला और रहीम है अल्लाह के अहकाम को समझने और सुनने और सीखने सिखाने का लाजिम नतीजा और तकासा समझाया जा रहा है कि उसकी अताात की जाए और अल्लाह कह रहा है कि जो इनको समझने के बाद इसकी अताात नहीं करेंगे उनको अल्लाह सजा देगा और सज़ा में ऑर्डर क्या है वही जो ऑर्डर अल्लाह हमेशा क़ुरान में बताता है पहले सज़ा किस दी जा रही है मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और फिर मुश्क मर्दों और मुश्क औरतों को मुनाफे कौन होते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा दीन ले लेते हैं मुश्किल कड़वे कसैले अहकाम छोड़ देते हैं कुरान में पिक एंड चूज करते हैं कहते हैं हाँ नमाज तो सातिर लिबास से हम पढ़ लेंगे लेकिन अगर तुम हमें यह कहोगे कि ये सातिर लिबास फिर बाकी का दिन भी कैरी ऑन करो तो लुक मेरी एक माशी मेरी एक सोशल साख है मेरी एक रेपुटेशन है मेरा एक तारुफ़ है मेरा एक बिजनेस है मेरा एक कारोबार है मेरा एक जॉब है मेरी एक 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 तारुफ़ है माशरे में मैं वो लिबास सारा दिन नहीं अपना सकती तो ये क्या है ये निफाक है कुछ लेना कुछ छोड़ना कुछ मानना कुछ तर्क कर देना तो अल्लाह कह रहे है, कुरान को सुनने के बाद जो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें हैं उनको अल्लाह सजा देगा और मोमिन औरतों और मर्दों को जो अल्लाह को मानते हैं अल्लाह की मानते हैं आसान आए मुश्किल आए लिबास की आए कारोबार की आए इखलाक की आए मामलात की आए जो अल्लाह को और कुरान को मान के कुरान की मानते हैं उनके अमल अगर कमियों के हैं और वो तोबा कबूल तोबा करें तो अल्लाह उनके लिए गफूर और रहीम है अल्लाहुम्मा जाली मिनत तोना व जाल मिनलमतरीन

हम तेरे क़ुरान के अहकाम को सुनने वाले खुश नसीब बन गए अल्लाह इनको समझना इनको याद रखना इनको अपनाना आसान बना दे अल्लाह घर वालों को मुआविन मददगार बना दे अल्लाह रास्ते की रुकावटें दूर कर दे रबना जुलमना अनफना रबाना ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي زلمتي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك أستغفر الله ربي من

जिद से ढिटाई से अनापरस्ती से अल्लाह अगर दुनिया के खौफ से हमने तेरी नाफरमानी की पहनने ओढ़ने में तेरी नाफरमानी और सरकशी की तो अल्लाह दरगुजर कर देना इलाही दरगुजर कर देना जो पहना ओढ़ा जो पहना ओढ़ा तेरी सरकशी का अल्लाह उसको माफ़ कर देना खमर्रा खमीन हया के पर्दे के लिबास के कोताही को अल्लाह सब को माफ फरमा दे अल्लाह सुबहान तला हया सातिर बा पर्दा लिबास पहनना पहनाना हमारे लिए आसान और मुमकिन बना दे या अल्लाह अपना करम फरमा अल्लाह सुबहाना तला ख़ात्मा बिलीमान फरमाना अल्लाह मरते दम तक हमारी आखिरी सांसों तक हमारे पर्दे की हिफाजत आसान बनाना अल्लाह बेपर्दगी से बचा बेहयाई से बचा अल्लाह सुबहाना ताला हमारी जुरीत हमारी नस्लों में तमाम हमारी बेटियों हमारी पोतियों हमारी नस्लों की नवासियाँ अल्लाह सब के दीन ईमान इस्लाम के साथ अल्लाह उनकी हया अल्लाह उनकी हया उनके पर्दे उनकी इस्मतों उनकी आबरुओं की हिफाजत फरमा अल्लाह उनको हिफाजत के तरीक़े सिखा इलाही उनको हिफाजत के तरीक़े सिखा अल्लाह उनको हया के तरीकों पर आमिल बना अल्लाह सुबाना ताला ये बेहयाई का फहाशी और जो तूफान जो सैलाब है जिसमें हमारी बस्तियाँ गर्क है अल्लाह कुरान की हया की तालीमात की बारिश बरसाने वाली बदलियाँ और हवाएं बनाते अल्लाह की बेटियों को हया के रिदाएँ सिखाने समझाने वालियाँ बना दे, अल्लाह हमारी तालीमात से तेरे अहकाम पर लबहक कहने वालियों को अल्लाह हमें हमारी गुज़श्ता जिंदगियों के गुनाहों का कफ़ारा और हमारी निजात का जरिया बना दे या या क्यूम बिरमति का नस्तीज़ अल्लाह मकफिर लाना वमोमी ना वमोमिन والمسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين ربنا لا تزه قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربيك رب العزه يما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين ثم